माँ गौरी यह माँ दुर्गा का आठवां रूप है। इनके वस्त्र आभूषण और वर्ण सभी सफेद रंग के हैं। इनका वाहन ऋषभ यानी बैल है। माता ने यहाँ महा तपस्या करके गौर वन को प्राप्त किया, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के चार हाथ हैं। इनके दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया है और नीचे वाला हाथ वरदानी मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किया है। इनके पूजन का मंत्र है, श्वेते विशे समारूढ़ा श्वेतम वरधरा शुचिः महागौरी शुभम ददायात महादेव प्रमोद दात। माता पार्वती ने शिव जी के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। महागौरी की कथा सुना रही हूँ। जब भगवान शिव जी उनसे उनसे प्रसन्न हुए, तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया। माता के कई सालों तक जंगल में रहने से, भूखे प्यासे रहने से वह काफी दुर्बल और उनका रंग काला हो गया था, इसलिए शिव जी ने उन पे कमंडल डालकर उन्हें गौण वन कर दिया। तब से वह महागौरी के नाम से जानी जाती है। दूसरी कथा यह भी है कि जब माता जंगल में तपस्या कर रही थी, तब वह सिंह वहां आ पहुंचा और वह भूखा था, इसलिए माता को देख उसे लालच आ गया। परंतु माता तपस्या में लीन थी, इसलिए वह सिंह वहीं बैठ माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार करता रहा। सिंह भी तपस्या के दौरान काफी दुर्बल हो गया, इसलिए जब माता तपस्या से उठी, तब उन्होंने सिंह को देखा और उस पे दया आ गई, इसलिए माता ने उसे अपना वाहन बना लिया। तब से माता की दो वाहन हैं, बैल और सिंह।